निलेश भैया हमारे लगाएंगे चक्कर, दोनों भैया आए नहीं आज। हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम साइड पे और आज साइड से भाई ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। इधर भाई मेरे पीछे खड़ी है टाटा की एक्सावेटर 210 और पीछे भाई खड़ा है ग्रेटर बैको और रास्ते पे भाई अभी इधर ये ब्लेड मारना है और देखते हैं इसके बाद और क्या काम करना है। दोस्तों रात हम 51 चैलेंज पे भाई ग्रेटर खड़ा कर गए थे और बाकी देखते हैं अभी 43 पे कब जाएंगे कब तक नहीं। दोस्तों सारी मशीनों भाई सेल्फ मार दिया है और लेके चलते हैं। ये भाई ये फ्लाइयर्स भाई इधर डालनी है बेड पे, इसको एक्सावेटर डालेगी फिर डाल के भाई फैला के इसको चेनिंग वेनिंग करके पानी वानी डाल के फिर ग्रेडिंग करेंगे। इधर हमारे ध्यानपाल जी कर लिया है वोल्वो स्टार्ट। तो उस दिन दोस्तों यहाँ पे ना बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा, तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी अंदर को नहीं आ पाई तो इसलिए भाई ऊपर ही खाली करवा दी थी। अब भाई एक्सावेटर से उठा उठा के ना फ्लाई सीधा डाल रहे हैं। डीजल आ गया दोस्तों, इधर डीजल लेंगे टिंकू भैया एक्सावेटर में। नेताजी हमारे आ गए हैं भरवा के, भाई डीजल लेने के बाद फिर चलेगी एक्सावेटर दरी और भाई डीजल टैंकर जाएगा 43 पे। तो दोस्तों व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शुरू होने वाला है आईपीएल और यही आईपीएल की स्किल्स आपको दोस्तों जिता सकती है 10 करोड़ रुपए। तो आप इस T20 सीजन में 10 करोड़ रुपए जीत सकते हो ऑन प्लेयर्स पॉट ऐप। तो बनो इस T20 सीजन के विनर ऑन प्लेयर्स पॉट ऐप और चैलेंज करो मुझे। प्लेयर्स पॉट ऐप पर आप अपनी क्रिकेट टीम बनाकर ज्वाइन करो लीग्स और इस 10 लाख की ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है और साथ ही साथ 1.20 करोड़ का लीडर बोर्ड और BMW बाइक, ऐसे बहुत से प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। तो अब ग्रैंड लीग अगर जीतना है तो प्लेयर्स पॉट ऐप पर खेलना है। दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स से हटके अगर बात करें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है भाई लूडो ऑन प्लेयर्स पॉट ऐप और लूडो जैसे इजी गेम खेलकर आप 10 करोड़ तक जीत सकते हो डेली। 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है तो आप जानते हैं आपके पैसे भाई सेफ हैं। दूसरी बात 7 मिलियन यूजर्स इस ऐप पे भाई डेली खेलते हैं तो कोई भी गेम ज्वाइन करने में आपको। तीसरी और सबसे बड़ी मुद्दे की बात इजी विड्रॉल है और नो KYC और इसमें दोस्तों बहुत सारे गेम हैं जैसे लूडो में अपना सांप सीढ़ी, शीप फाइट्स, हाउस क्विजेस, चेस और अब तो प्लेसपॉट ऐप पे आ चुका है उनका नया रमी गेम। तो फटाफट भाइयों डाउनलोड करो प्लेसपॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड PLAYS200 PLAYS200 जिससे मिलेगा आपको 200 रूपए का साइन अप बोनस। जो बोनस पाके दोस्तों आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, तो आओ मुझे चैलेंज करो, हो जाए एक लूडो गेम आपके और मेरे साथ। तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है प्लेसपॉट ऐप का, तो जाओ डिस्क्रिप्शन खोलो और क्लिक करो और डाउनलोड करो प्लेसपॉट ऐप और खेलो, आ जाओ साथ में खेल। देखो दोस्तों डीजल डलवाने के बाद एक्सावेटर फिर यहाँ पे चल रही थी भाई, देखो कितना बढ़िया बेड बना दिया, देखो पूरा कैम्बर में बना रहे हैं भाई पिंक उस्ताद, बिल्कुल बराबर भाई। कोई भी मशीनरी चलाओ ना तो बिल्कुल ऐसी कलाकारी से चलाओ, नहीं तो चलाया मत करो। कोई भी हो जाए जो काम आप डेली कर रहे हो, रोज डेली कर रहे हो, जो आपकी रोजी रोटी है, अगर वही आपसे दोस्तों सही ढंग से करना नहीं आ रहा ना तो बेकार है फिर काम करना कोई भी। मान लो आप कहने का मतलब मेरा, सीख के जाओ ना किसी उस्ताद से, बढ़िया तरीके से सीखो, आधे सीखे हुए मत भागो। वो दोस्तों फिर पूरी लाइफ ना उनके अंदर कमियां जो रहती है ना वो रह ही जाती है, वो कभी दोस्तों पूरी नहीं हो पाती। बढ़िया से उस्ताद जी से सीख के जाओ, पिटाई मार खा के पिटाई खा के जो अकल आती है ना दोस्तों वो वैसे नहीं आती। दोस्तों अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। आ रहे हैं दोस्तों पिंकू भैया उतर के, भाई इस पेड़ के नीचे बैठ के खाते हैं खाना। भाई ग्रेटर इधर खड़ा कर दिया है, रोलर इधर खड़ा है और भाई अब खाने लगे हैं खाना। लस्सी लेके आए हैं हमारे ध्यानपाल भाई साहब 3 लीटर, आलू की सब्जी इधर कटवा आलू है, कटवा आलू आ जाओ भाइयों खा लो। भाइयों खाना खा लिया और भाई अब चल रहे हैं 43 चैलेंज पे, क्योंकि भाई इधर भाई काम जो थोड़ा बहुत था वो कर दिया है और अभी हाल फिलहाल भाई इधर कोई काम नहीं है। ट्रैक्टर फंस गया है यहाँ पे, निलेश भैया हमारे लगाएंगे चक्कर, दोनों भैया आए नहीं आज। दोस्तों भाई हमारे उस्ताद हमारे लिए उस्ताद जी के बस की बात नहीं है, अभी देखते क्या होता है।
देते हैं, मैं इसे बूम से वॉकर से पानी डलवा देता हूं आज। तो दोस्तों ट्रैक्टर निकालने के बाद अब मैं चल रहा हूं भाई 43 चैलेंज पे, चल के देखते हैं वहां क्या काम है। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद यार बैकहो चलाई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चला रहे हैं, मतलब बिल्कुल अजीब सा ही लगता है क्योंकि यार मैं डेली ग्रेडर चलाता हूँ, डेली ग्रेडर चलाना होता है और काफी टाइम से भाई ग्रेडर ही चला रहा हूँ, बैकहो एक्सेलरेटर सब भाई छोड़ दी, अजीब सा ही भाई फील होता है। भाई अभी मैं 43 चैलेंज पे आ चुका हूँ और भाई आके यहाँ पे अभी ये ब्लेड खाली मारा रास्ते पे। दोस्तों आगे ना गाड़ी फंस गई है भाई, फ्लाई एश की वो निकालने जा रही है एक्सेवेटर, देखो भैया कितनी बैठ रही है गाड़ी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा ना बम्पिंग हो रही है। अरे रोहित निकालोगे इसको, मत निकालो, रास्ता बंद कर दो, तुम बंद नहीं है, कोई तेजी में आ गया वो कर देगा, तुम एक काम करो वहां से भर के ना दो पॉकेट यहाँ रख दो, इसके मिट्टी का ढेर रख दो, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ ये रास्ता चालू रहेगा, ये यहीं रहने दो, ये यहीं रहने दो, उसको रास्ता बंद करवा देंगे ना, ये बम्पिंग ज्यादा वो आगे वाला रास्ता उसको ठीक है, उधर से निकल जाती है गाड़ी। एक खट्टा यहाँ खोद के एक खट्टा वहाँ खोद। भाई जो वोल्वो 210 की ना एसी खराब हो रखी है काफी दिन से, सही नहीं हुई कि भाई फ्लाई एश अंदर जा रही है, देख रखी है फ्लाई एश क्या दिक्कत हो रही है एसी में, इसकी कंप्रेसर खराब है कि बेल्ट टूटी हुई है, बेल्ट में वही खराब है, जब बेल्ट का दांते जल रहा है बार बार, अच्छा तो कंप्रेसर जाम हो रहा है। दोस्तों इधर डोजर खड़ा है, इधर बैकहो आ गई थी दोस्तों यहाँ पे 43 पे 51 से, इधर लाडी भाई दोस्तों फिनिशिंग ब्लेड मार रहे हैं आगे, इधर भाई आगे टैंकर खड़ा है, वो आ रहा है अरविंद। तो उस टाइम दोस्तों जब ट्रैक्टर निकाल रहे थे ना उस टाइम पता क्या बात हो रही थी, क्यों जोर नहीं लग पा रहा था नीलेश से, नीलेश दोस्तों जोर सही लगा रहा था बॉकेट से तो ट्राली निकालने के लिए, ट्रैक्टर निकालने के लिए वहाँ पे एक गलती हो रही थी, गलती क्या हो रही थी दोस्तों उस टाइम आपको समझा नहीं पाया, मेरे ध्यान नहीं रही, गलती दोस्तों हो रही थी वहाँ पे डिस्टेंस की, बैकहो की और दोस्तों जो ट्राली का जो डिस्टेंस था ना वो दोस्तों ज्यादा कम, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस कम में क्या होता है, डिस्टेंस कम में खाली ना ये जो डिपर है ना ये जो बंद हो ये डिपर स्टिक बोलते हैं खाली इसी का जोर लगता है, बूम का जोर नहीं लगता, बूम का दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बड़ा होता है स्टिक सिलेंडर के मुकाबले, तो इसलिए बूम के सिलेंडर का दोस्तों जोर लगना ज्यादा जरूरी होता है, तो कम डिस्टेंस में बूम का जोर नहीं लग पाता, खाली ये स्टिक दोस्तों खाली ऐसे खुलने पे जोर लगाता है, अब जब थोड़ा हम डिस्टेंस इसका ज्यादा बढ़ा देते हैं, जब डिस्टेंस इसका बढ़ा देते हैं तो बूम का भी जोर लगने लगता है, बूम का जोर ऐसे लगने लगता है बूम ये जो है ना ये नीचे को दबाने लगता है, ये आगे को प्रेस होता है वो ऊपर को खुलता है, तो दोनों सिलेंडरों का तब बराबर जोर लगता है ना तब मशीन की पावर बढ़िया लगती है, तब दोस्तों कोई फंसी हुई चीज तभी निकलती है। तो जितना दोस्तों डिस्टेंस आपने देखा होगा ना इतना ही दोस्तों डिस्टेंस रखना चाहिए, कोई भी मशीनरी निकालते हैं मशीन की पावर अच्छी लगती है, ज्यादा कम डिस्टेंस रखोगे तो भी पावर नहीं लगेगी, ज्यादा दूर रखोगे तो भी पावर नहीं लगेगी मशीन की। दोस्तों ये जो बातें होती है ना कुछ बारीक बातें होती है भाई, ये ना एक्सपीरियंस होते होते आदमी को समझ में आता है, कई बार क्या उस्ताद बता देते हैं कई बार उस्ताद नहीं बताते, कोई बात नहीं भाई आपको मैंने बता दी है तो आप ये ध्यान रखना, जो भाई यार चलाते हैं उनके लिए तो क्या ही कहने हैं आप भाई, जो जिनको बेचारों को नहीं पता उनके लिए यार मैं बता देता हूँ, जो अपने को भाई पता है, बाकी आप सारे मेरे से बड़े ही हो, सीनियर हो, समझदार हो। तो भाई ये गाड़ी भाई बहुत बैठ रही है पूरी तरफ पीछे, 12-13 गाड़ी है ये, एक्सावेटर आ रही है, भाई अभी टाइम हो चुका है 6:15 का और भाई ये बेड पे पूरे फिनिशिंग मारी थी लाडी भाई ने, और भाई अभी पूरा बढ़िया हो गया रोलिंग वोलिंग करके, और इधर भाई पीछे मेरे जा रही है बैकहो, ये लेके जियो ग्रिड,
ये आ रहा है सोनू दोस्तों, ये लेके जा रहा है ये जियो ग्रिड बैको से। तो ये कुछ अधिकारी आ रहे हैं, पीएम साहब आ रहे हैं कंपनी के, राजगोपाल के। तो दोस्तों अभी 7 बजने वाले हैं और हाल फिलहाल भाई एक काम बचा हुआ है, बेड बनाना है भाई यहाँ पे फ्लाइस का। फ्लाइस डाल के भाई एक्सावेटर ने ना चैनिंग कर रखी है भाई, इस पे खाली ग्रेडिंग करनी है भाई, फिर पानी डल जाएगा पूरा बेड है। उधर पीछे भी है थोड़ा, ये करके भाई फिर अब कमरे पे जाना है। तो भाई 7:10 हो चुके हैं और मशीने इधर कर दी है खड़ी, इधर टैंकर खड़ा है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं भाई कमरे पे, कुछ बंदे भाई टैंकर में बैठ के जाएंगे पानी वाले में, कुछ बंदे भाई और डीजल वाले टैंकर में बैठ के जाएंगे। उधर आके डीजल वाला टैंकर खड़ा है दोस्तों, टैंकर फुल हो चुका अभी फिलहाल, इसमें भाई जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तो दोस्तों सेठ जी आए थे अभी शाम को इस टाइम थार लेके, ये आ गए हमारे सेठ सर जी। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत भाई, थैंक यू सर, का चैनल हो गया मोनेटाइज, वही देख रहे हो। ओहो सर वीडियो तो चला ही नहीं था भाई, वीडियो चला ही नहीं यार, ध्यान भूल गया क्या सो राम राम है छमिया इन लाल इन पनला ने गेर लुमा रखी पे। ये तो हो गया सब क्लियर हो गया, की तो की तो अब जा रहा है सर इसमें तो सामना, उधर मैंने काम चालू करवा दिया, कल उधर हो जाएगा, कल उधर जोग्रेट का बेड बना के दे देंगे। ये हमारे मोहित सर, मोहित शर्मिला भाई, सॉरी इस टाइम वीडियो चालू नहीं हुई थी छमिया बस करो, इस गाने की आपने ऐसी तैसी कर रखी है टेंट में पीछे। अच्छा यार तने मेरा ना यार अपनी ड्रीम कर रहे हैं भाई, वो खड़ी अपनी थार और भाई यहाँ रुके हैं चाउमीन खाने के लिए, सर हमारे कुक कर रहे हैं चाउमीन। और डाल प्याज भाई, चाइनीज तरीके से काटनी ना आई प्याज। आओ भाई आओ रे चाउमीन खा लो, चाउमीन चाउमीन वाला चाउमीन वाला चाउमीन 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 चिंग चुए चुंग चुए चुंग चा चुंग चा चुंग चा चुंग चा भाई नमक गाना हो जाएगा उस्ताद जी, बना दे भाई बना दे उस्ताद जल्दी बना दे भाई। भाई ना सुसी टी यार ना सुसी टी पर ले रहे हैं बता दे ले का यो मुई दे बार बार भाई लपेट रहे हैं हमारे सागर सर। तो भाई अभी फार्म पे पहुंच चुके हैं और ये भाई वही खड्डा है जो उस दिन आपने देखा होगा ब्लॉग में, भाई पूरा अंदर तक बह गया, देखो यहाँ से निकली अपनी थार, ये यहाँ से निकली ना भाई, यहाँ से निकली भाई अभी गाड़ी थार। ये हमारे अनिल भाई सुबह से गाड़ी सही करने गए हुए थे बेचारे, हम मिस्त्री को लेके गए थे काम माल ले आए, बिस्कुट का पैकेट और रहा है, बिस्कुट का पैकेट और रहा है, दो ही डाला था एक तो स्किरे खा लिया एक। हमारा सोना मुंडा बेचारा आज बहुत मेहनत करी भाई ने, सुबह पहले 9 बजे हमें छोड़ के आया भाई बिना कुछ खाए पिए, फिर बेचारा पानीपत गया, काफी ज्यादा आज मेहनत का शिकार हुआ। अखरोट तुम्हें खाओ जी ऐसे अखरोट भैया, जे किसी के ऊपर देख के भी एहसान होता है, हम नहीं खाएंगे अरे हम नहीं खाएंगे, जहाँ निकलत कुछ है ना माथा फोड़त फोड़त मर जाओ जहाँ में। तो भाई अभी मैं चलने लगा हूँ अपने कमरे पे, सागर सर दोस्तों खेल रहे हैं ताश, और भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है gagan.samra.52, और चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक करना, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।